अर्चना करके जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद आज के दिन की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और उसके पश्चात वो आपके सामने आएंगे। ये वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनकी सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी समय से आगे सोचते हैं और जो समय से आगे सोचता है और समय से आगे चलता है वही तो इतिहास रचता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तो जो परिदृश्य हम देख पहले रहे हैं जब उसकी कल्पना के दर पे पहुंचे प्रधानमंत्री और उनके मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बाबा के दर पर उन्होंने माथा टेका और निश्चित तौर से काल भैरव बाबा के बारे में इस बात की मान्यता है कि उनको कोतवाल कहा जाता है काशी नगरी का, और काशी नगरी अपने आप में उसमें अगर आपको भ्रमण के लिए आना है, दर्शन के लिए आना है, बाबा के दर्शन, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आना है तो कोतवाल जो कि काल भैरव है उनसे अनुमति लेनी होती है और ये एक धार्मिक मान्यता है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री वहां पहले पहुंचे और उस अनुमति को लेते हुए उनसे इस बात की प्रार्थना करते हुए कि आप मुझे अनुमति दें, तो निश्चित तौर से वहां पे जो तमाम धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर जो अनुष्ठान होता है, आरती होती है, उसका निर्वहन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो काल भैरव से उन्होंने अनुमति ली है और अब वो काशी में अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और वहां से आज के जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। हमने तस्वीरों में भी देखा कैसे बड़ी संख्या में तमाम हजारों काशी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। उनका जो सांसद है, जो वाराणसी से सांसद है, काशी से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके स्वागत के लिए। तो निश्चित तौर से ये लोगों का जुड़ाव भी दिखाता है, बताता है कि कैसे अपने सांसद के लिए लोगों के मन में भाव है, कैसे स्वस्फूर्त तरीके से लोग घरों से निकलकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचेंगे और हाथ जोड़कर बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। तो निश्चित तौर से आस्था के प्रति जो एक लगाव, श्रद्धा का भाव जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री के इस प्रकार की यात्राओं में दिखाई पड़ता है और उसकी ही एक तस्वीर साफ तौर से परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ रही है। और श्रद्धा पूर्वक ये माथा टेकना ये भी अपने आप में बताता है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, हम तस्वीर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा क्योंकि वो भी उन लोगों के बीच में अपने को अभिभूत पा रहे हैं जिन तो काशी की गलियों में पीएम नरेंद्र मोदी, तो सीधी तस्वीरें भी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो गलियों में जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत नजारा जो लोग देख रहे हैं, खुश हैं, खुशी से मन आतुर है कि आज उनके बीच देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अपना सांसद खुद हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार भी कर रहा है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तस्वीर देखिए, भव्य काशी और दिव्य काशी का ये नजारा। तो काल भैरव मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की आज सुबह जब उतरे बावतपुर एयरपोर्ट पर, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया उनका। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। वो पल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, वो तस्वीर भी दिखाई और लगातार काशी बुला रही हम अपने खास सीरीज चलाई हमने, जिसमें दिखाया कि कॉरिडोर जो किस तरीके से उसका विस्तार हुआ है और अब आगे किस तरीके से विकास के नए रास्ते खुले हैं। तो काशी में पीएम मोदी और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उससे पहले आरती की और साथ ही साथ आज से दो दिन के वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी, और कई मायनों में यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अब लोकार्पण करेंगे और उसके बाद जब विकास की एक नई गाथा, एक नई बयार की बात करें तो साफ तौर पर वो बानगी नजर आने वाली है, वो तस्वीर नजर आने वाली है। उत्साह है काशी की गलियों में, हर तरफ गीत संगीत के नजारे हैं, भक्तिमय माहौल है पूरी तरीके से और बम बम भोले काशी में हर तरफ गूंज इसी की सुनाई दे रही है। श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार सागर साफ तौर पर देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। तो हर कोई मानो इस
पल को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। तो इससे पहले काल भैरव मंदिर में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूजा अर्चना की, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि किस तरीके से जब वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अब उद्घाटन करेंगे और लोगों में बड़ी ही उत्सुकता है और उत्साह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आज से दो दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ा कॉरिडोर किस तरीके से आज वहां की जनता को मिलेगा। तो दो दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, और गलियों में लोगों के बीच, जहां पर गलियों में पूरी तरीके से भक्ति का माहौल नजर आ रहा है, कहीं बम बम बोले तो कहीं ओम नमः शिवाय के लोग जाप कर रहे हैं। तो काल भैरव मंदिर में किए दर्शन, और इस काल भैरव की भी एक मान्यता है कि वहां पर उनको कोतवाल से पहले एक आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस परंपरा की बात करें, इस इतिहास की बात करें, इस संस्कृति की बात करें, तो उसका भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर उस परंपरा का निर्वहन किया जिसे हमने सीधे दिखाया। एक्सरसाइज भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त।